22 नवंबर सोमवार को कन्हान जल शुद्धिकरण केंद्र का 30 घंटे के लिए शटडाउन किया जा रहा है। इस जल शुद्धिकरण केंद्र में मरम्मत का काम किया जा रहा है, इसलिए उत्तर पूर्व नागपुर के लकड़गंज, सतरंजीपुरा, नेहरू नगर और आशीनगर जोन के 28 जलकुंभों की जलापूर्ति बाधित रहेगी। साथ ही 23 नवंबर मंगलवार शाम 7 बजे के बाद मर्यादित जलापूर्ति की जाएगी, ऐसी जानकारी OCW के अधिकारी सचिन रवेकर ने दी। इसलिए नागरिकों से अपील की गई है कि वे अपने लिए पानी की व्यवस्था करके रखे। महानगर पालिका और ऑरेंज सिटी द्वारा आने वाले सोमवार यानी 22 नवंबर और मंगलवार यानी 23 नवंबर को कन्हान जल शुद्धिकरण केंद्र का 30 घंटे का शटडाउन लिया गया है। इस शटडाउन के दौरान पीली नदी के तहत 4 मीटर की 1300 mm की पाइपलाइन डालने का है। साथ ही साथ में बस्तरवारी पे एक बहुत बड़ा लीकेज है, उसको बंद करना है। उसके साथ में कन्हान जल शुद्धिकरण केंद्र के काफ़ी जो तकनीकी मेंटेनेंस के काम है वो भी करना है। इन कामों के लिए ये 30 घंटे का शटडाउन लिया है। इस शटडाउन के दौरान नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया भारत नगर चौक पर एक इंटरकनेक्शन का भी काम करने वाली है। इन शटडाउन के द्वारा नागपुर शहर के आशीनगर, लकड़गंज, नेहरू नगर और सतरंजीपुरा जोन, ये 4 जोन में की करीब करीब 28 टंकियां बाधित रहने वाली है। उस वजह से लोगों के घर में पानी नहीं आएगा। नागपुर महानगर पालिका और ऑरेंज सिटी वाटर सभी नागरिकों से विनती करती है कि कृपया अपने और अपने परिवार की उपयोगिता के लिए पानी स्टोर करके रखें। धन्यवाद।